were at alkene and alkyne bete. These two are unsaturated class of hydrocarbon as they consist of double and triple bond, and you can add in that something, okay, like hydrogen or some halogen or some water molecule. You can add anything. You will do the chemical reaction in the higher standards, okay? So you can add in this compound. In alkane, you can't add anything. You can only substitute a hydrogen with another element or group, okay? Substitution जाते हैं. You can't add in saturated one. और उनको break कर दोगे, combustion करवा दोगे, वो अलग चीज है. अदरवाइज सब्स्टिट्यूशन जाएगी. मगर एल्कीन और एल्काइन में बेटे आप ऐड कर सकते हो, इसलिए इनको कहा जाता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जिनको आप सैचुरेट कर सकते हो अभी, ठीक है. तो इनमें आते हैं बेटे डबल और ट्रिपल बॉन्ड वाले, ठीक है. डबल बॉन्ड जब हम करते हैं तो एल्कीन है, उनका जनरल फॉर्मूला है दैट इज CnH2n, एंड एल्काइन्स का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n-2. और n आपको पता है दिस इज एनी इंटीजर, मींस इट हैज अ वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5, 6. एनी हाइड्रोजन हमेशा बेटे सिंगल बॉन्ड बनाता है. हाइड्रोजन ने सिंगल से ज्यादा कोई भी बॉन्ड नहीं बनाता था. तो इसका जो एल्कीन और एल्काइन है वो स्टार्ट ही टू कार्बन एटम से होते हैं. दे स्टार्ट विद ओनली टू कार्बन एटम, दे नॉट स्टार्ट विद वन कार्बन एटम, ठीक है. सो ये जो फर्स्ट कंपाउंड है इथीन, तो हमने जनरल फॉर्मूला में, अगर आपको ऐसे भी ना याद रहे तो जनरल फॉर्मूला से आप नंबर ऑफ हाइड्रोजन या कार्बन निकाल सकते हो, मगर उस टाइम जब आप डबल बॉन्ड एक ही कंसीडर कर रहे हो स्पीशीज में, ठीक है. हायर स्टैंडर्ड में आप एक चेन में दो भी बना सकते हो डबल बॉन्ड, तब ये फॉर्मूला हमारा नहीं एप्लीकेबल होगा. जब हम एक ही डबल बॉन्ड या एक ही ट्रिपल बॉन्ड उस चेन में कंसीडर कर रहे हैं, then only it is applicable. Got it? So CnH2n. So first है ethene और इधर first क्या है ethyne. दोनों में फर्क क्या है, एक में है double bond and other is having triple bond. So one is having बेटे double bond and other one is having triple bond. And these both class of hydrocarbon belong to unsaturated one. Got it? They belong to unsaturated one. First, let us do the electron dot diagram of these two molecules, that is ethene and ethyne. Okay, so we have already done the electron dot diagram. Now we have to do the electron dot diagram of this species. Okay, so you know the compound. हम इसका पहले ओपन स्ट्रक्चर बना लेते हैं, ठीक है. आपने एग्जाम में भी यही करना है, ओपन स्ट्रक्चर बन गया आपका. दिस यू हैव ओपन स्ट्रक्चर, दिस बॉन्ड्स यू विल ड्रॉ विद योर पेंसिल, ठीक है. पेंसिल से बना लेना है. उसके बाद हर एक कोवलेंट बॉन्ड में टू इलेक्ट्रॉन होते हैं. इन एवरी कोवलेंट बॉन्ड देयर आर टू इलेक्ट्रॉन्स. तो ये मान लो ये कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन दिखाने के लिए मैंने एक्स लिख दिया. इन द सेम वे ये कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन है और हाइड्रोजन को दिखाने के लिए हमने एक्स लिख दिया. अगेन हियर 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 हियर, एंड ये वाला बॉन्ड में ये जो दोनों हैं वो कार्बन से ही आए हैं, इस वाले बॉन्ड में भी कार्बन से ही आए हैं. अब जब आप इलेक्ट्रॉन डॉट्स बना देते हो तो आपने बेटे तब सर ये लाइंस नहीं दिखानी होती, इट मस्ट बी लाइक दिस. ठीक है, तो ये क्या हो गया बेटे इथीन. अब इथीन में हर एक हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, टू. तो ये इसके हैं, तो यू विल मेक अ सर्कल हियर, ठीक है. हाइड्रोजन के पास टू इलेक्ट्रॉन्स, इस हाइड्रोजन के पास भी टू इलेक्ट्रॉन्स, इस हाइड्रोजन के पास भी टू इलेक्ट्रॉन्स,
और इसका भी डबलेट कंप्लीट करते हुए यू विल शो टू इलेक्ट्रॉन्स एंड ईच कार्बन एटम इज हैविंग 8 इलेक्ट्रॉन अराउंड इट, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, ठीक है। तो अब इस कार्बन के अराउंड आपको 8 कौन से नजर आ रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो इस कार्बन के अराउंड बेटे 8 इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे आप सर्कल करते जाओगे, ओके। इन द सेम वे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इस कार्बन के अराउंड भी 8 इलेक्ट्रॉन है, तो इन 8 इलेक्ट्रॉन और इस कार्बन को आप सर्कल में लिख के आओगे। दिस इज इलेक्ट्रॉन डॉट डायग्राम ऑफ इथीन, ठीक है। वेल मेकिंग इलेक्ट्रॉन डॉट डायग्राम ये आपकी मर्जी, आप ये हाइड्रोजन यहाँ शो कर रहे हो, ये हाइड्रोजन आप ऊपर शो कर रहे हो, या ये हाइड्रोजन आप इधर शो, जैसे मर्जी, ठीक है। दिस इज ओनली योर विश, जैसे मर्जी आप शो कर दो। हाँ जी, डन। ऑल हैव ड्रॉन द डायग्राम ऑफ इथीन, एनी डाउट फ्रॉम इट? यस बेटे, बेटे एक वन क्वेश्चन कम फ्रॉम इलेक्ट्रॉन डॉट डायग्राम, इट्स डेफिनेट। हाँ जी, एनी डाउट? ओके, सो नाउ likewise you draw the electron dot diagram of ethyne. Now how will you draw the electron dot diagram of ethyne? You see triple bond CH, okay, this is ethyne and every covalent bond consists of two electrons, every covalent bond consists of two electrons, so this is a covalent bond one, this is another covalent bond two, ये दोनों एक लाइन में दो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो मैं इसको इस वे में अब दिखाऊं, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, अब दिस इज हाइड्रोजन विच इज हैविंग टू इलेक्ट्रॉन्स, this is another hydrogen which is having two electrons around it, carbon is total having 8 electrons, jo bhi iske aas pass bond nazar aaye the aapko 1 2 3 4, to four bonds ke electron aapko circle mein lene, in the same way iske around bhi aapko four nazar aaye the, in four ke electrons aapko circle mein lene, okay। So it is electron dot diagram of ethyne. Okay, bete, any doubt? Done. ठीक है. So this is ethene and this is ethyne. तो एल्केन मैंने आपको पहले समझाया, व्हाट आर एल्केन, उसका थोड़ा नोमेनक्लेचर देखा था, लेट अस सी द नोमेनक्लेचर ऑफ इथीन एंड इथाइन, ठीक है, थोड़ा सा इनका भी नोमेनक्लेचर देख लीजिए। जैसे इथीन है, दिस इज इथीन, नेक्स्ट इथीन के बाद कौन सी एल्कीन आएगी, थ्री कार्बन वाली, तो थ्री कार्बन में इट्स माय विश कि मैं डबल बॉन्ड इस तरफ दिखाऊं या डबल बॉन्ड दूसरी साइड, वैसे हम काउंटिंग करनी शुरू कर देंगे। क्या नेम बोलोगे आप इसको, देखो ये डबल बॉन्ड आप यहां पे भी दिखा सकते, इट्स योर विश। अगर इस तरफ दिखाओगे तो यू स्टार्ट काउंटिंग फ्रॉम दिस साइड, अगर यहाँ दिखाओगे तो काउंटिंग, तो यू विल गेट द नंबर, द कार्बन विल गेट वन ओनली, ठीक है। तो इसका नेम क्या हो जाएगा, प्रोपीन या प्रोप वन,
इट विल रिमेन ऑलवेज एंड ऑलवेज वन, तो जरूरी नहीं हमें मेंशन करना, ठीक है. इन द सेम वे इट वॉज इथाइन, इट वॉज इथाइन, ठीक है, इथाइन. एंड वैसे ही ये क्या हो जाएगा, प्रोपाइन. ओके, इट विल बी प्रोपाइन. नाउ द नेक्स्ट इज, चलो यहां ही बनाऊ. अब मैं फोर कार्बन एटम लिए बेटे, डबल बॉन्ड इज इन बिटवीन एंड इन दिस द डबल बॉन्ड इज हियर, ठीक है. ओ सॉरी, अब इसकी नेमिंग करो बेटे, कैसे करोगे. यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन एक्स्ट्रा आएगा और यहाँ पे, यस, डू द नेमिंग. कैसे नॉमेनक्लेचर करोगे, वैसे मैं ये भी बना सकती हूँ. हाँ जी, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड फर्स्ट. यस बेटे, एनीवन, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड. सो अगर काउंटिंग करें 1 2 3 4, अगर इधर से काउंटिंग करें तो भी 1 2 1 2 ही आती है पोजीशन, ठीक है. तो क्या नेम बोलोगे फोर कार्बन एटम को, क्या बोलोगे. हार्मन, फोर कार्बन का ब्यूटीन है, ठीक है. मगर इससे ये क्या है, व्हाट इज दिस. अच्छा ये क्या है, फिर ये भी तो ब्यूटीन ही है, इसमें भी तो डबल बॉन्ड है बेटे. ऊपर वाला आएगा ब्यूट टू इन और नीचे वाला आएगा ब्यूट वन इन, क्योंकि इधर फंक्शनल ग्रुप जो है डबल बॉन्ड है वो सेकंड पोजीशन पे है, इधर डबल बॉन्ड जो है वो फर्स्ट पोजीशन पे है, ठीक है. हमने काउंटिंग वहां से स्टार्ट कर देनी होती है जहां पे फंक्शनल ग्रुप लगा हो हमारा, गॉट इट. तो यहाँ पे यहाँ है और यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे है, इट इज ब्यूट टू इन, इट इज ब्यूट वन इन, ओके. सो सेम इसका नेम बताओ क्या बनेगा, हरी अप. Yes, some of the students are quite active. Where are others? Yes, bete. In the same way, you will give the naming to this compound. Ab in ki jagah pe sirf ain hona hai. Yes, but two ain. And what is the name of this compound? ब्यूट वन नाइन, ठीक है. हाँ, ब्यूट वन नाइन एंड ब्यूट टू आइन, मीन्स आप ऐसे नेमिंग कर सकते हो. चलो अब अपने आप बनाओ, पेंट टू आइन बनाओ, पेंट टू आइन. अरे अब पेंट टू आइन ऐसे बेटे, डाई आइन भी होता है, ट्राई आइन भी होता है. जैसे जैसे आप डबल या डबल ट्रिपल बॉन्ड बढ़ाते जाते हो किसी मॉलिक्यूल में, तो हम डाई ट्राई टेट्रा ऐसे वर्ड्स लेके आना शुरू कर देते हैं, ठीक है. नॉमेनक्लेचर अब आपके सिलेबस में इतना नहीं है, द चैप्टर इज वेरी मच डिलीटेड. आई हैव जस्ट सीन योर सिलेबस टुडे, नो केमिकल रिएक्शन इज देयर. सो आई थिंक द चैप्टर इज गोइंग टू बी फिनिश्ड बाय वन डे और सो. इट इज नॉट एन बेटे, ब्यूट टू एन नहीं करोगे आप. ये एल्काइन से आया है, वाई एन ई, तो आइन लिखोगे या ईन लिखोगे. जब डबल बॉन्ड होगा तो ईन है, जब ट्रिपल बॉन्ड होगा तो आइन है, ठीक है. ओके, हाँ जी, सबने कर लिया, डन. ओके, तो क्या स्ट्रक्चर बना पेंट टू ईन का.
दिस इज सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू सी एच डबल बॉन्ड सी एच ये बन गया होगा आपका पेन टू ई। और अगर आपने ऐसे लिखा होगा तब भी रॉन्ग नहीं है क्योंकि तब भी पेन टू ई है। और अगर ऐसे लिखोगे तब भी ये पेंट टू ई है। हाँ 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 गरिमा बहुत दबे ठीक है। पेंट टू इन है ये आपका वन इन है गरिमा। यू हैव रिटन वन इन नॉट टू इन। आपका डबल बॉन्ड फर्स्ट पोजीशन पे है तो जब फर्स्ट पोजीशन पे होता है दैट इज वन इन। आपने सेकंड पोजीशन पे शो करना है दैट इज टू। अब सेकंड पोजीशन हमारी मर्जी हम इस तरफ से शो करें और इस तरफ से ठीक है। इट्स आर विश ओनली। गेटिंग माई पॉइंट ओके ठीक है। नो वन इज गोइंग टू टेल यू दिस इज रॉन्ग और राइट। सो वी हैव डन द स्ट्रक्चर ऑफ आई थिंक साइक्लोहेक्सेन ऑल्सो ओके। नाउ द नेक्स्ट इज व्हाट आर द फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये मिथेन है बेटे मेरे पास। आई हैव मिथेन। अब मिथेन को मैं एक एटम से रिप्लेस करूं वो क्या है क्लोरीन। मैं एक हाइड्रोजन को ये हाइड्रोजन को रिप्लेस करूं और उसके यहाँ पे क्लोरीन ले हो तो ये क्या हो गया हाइड्रोजन को निकाला और उसके यहाँ पे मान लो मैंने क्लोरीन ली ठीक है। या मैं एक हाइड्रोजन को निकाल के अकेली क्लोरीन ही लेके आई। मैं ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एक ग्रुप लेके आई ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ठीक है और एक हाइड्रोजन निकाल दिया तो ये कंपाउंड बना ठीक है। अब हमने क्या किया हाइड्रोजन को रिप्लेस किया कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कोई भी जो एटम लेके आते हो आप ऑर्गेनिक ग्रुप में उसे आप कहते हो हिटरो एटम ठीक है। जब कार्बन और हाइड्रोजन की जगह पे कोई भी और कोई एटम लेके आते हो दैट इज नोन एज हिटरो एटम। अब हिटरो एटम एक अकेला एटम हो सकता है या एक ग्रुप भी हो सकता है जैसे सी एच ओ एल डी हाइड में करेंगे सी ओ ओ एच ओ ओ एच कार्बोक्सिलिक एसिड में करोगे तो ग्रुप भी होता है। अब जब ये ग्रुप आता है एटम्स आते हैं तो इनकी जो प्रॉपर्टीज है वो चेंज है। आपको पता है इथेनॉल की प्रॉपर्टी वो हमें नींद लेके आती है उसमें थोड़ी एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज भी है और इथेन की बात करूं तो उसकी प्रॉपर्टीज बहुत चेंज है। एक फंक्शनल ग्रुप आने से आपकी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है ठीक है। जो ये हिटरो एटम्स हैं वो क्या करते हैं प्रॉपर्टी कंपाउंड की चेंज कर देते हैं ठीक है। जितनी मर्जी बड़ा कंपाउंड हो चेन हो दिस फंक्शनल ग्रुप विल चेंज द प्रॉपर्टीज ठीक है ओके। सो व्हाट आर द फंक्शनल ग्रुप। वो डिलीट नहीं मैम वो डिलीटेड नहीं मैम बेटे सी वो पेज तक है। लास्ट टाइम जो हमारे पास रेफरेंस जो क्वेश्चंस आए थे उसमें नॉमेनक्लेचर थोड़ा सा आ गया था तो इतना सा आप कर लो फंक्शनल ग्रुप और होमोलोगस सीरीज। केमिकल प्रॉपर्टीज क्या करना है अब आई डोंट नो चैप्टर इज सो मैन्यूट नाउ ठीक है।
अगर कोई ग्रुप लेके आते हो जो आपके कंपाउंड की प्रॉपर्टी पूरी डिफरेंट कर देते हैं एज कम्पेयर टू जो पहले थी उसकी, दैट इज कॉल्ड अ फंक्शनल ग्रुप। व्हाट द पॉइंट? इज दैट क्लियर आपको? ठीक है, ओके। सो दिस इज हिट्रो एटम। दीज टू हिट्रो एटम या फंक्शनल ग्रुप मैंने जो लिखे हैं, ये फंक्शनल ग्रुप ए को कहते हैं हैलोजन और दूसरे को कहते हैं एल्कोहल। एंड मोर ऑफ द फंक्शनल ग्रुप और भी करेंगे, विल डू टुमोरो एंड टेल यू अबाउट द फंक्शनल ग्रुप। सो टाइम इज अप एंड विल मीट यू टुमोरो इन द सेम टाइम। एंड जो बच्चे बेटे पंचुअल नहीं है।